ये है यहाँ पे देवता का मंदिर, ये देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे नंबर टू स्टार्ट हो गया, दिहाड़ी नंबर टू फिर से स्टार्ट हो गया। टोकरा पकड़ा दिया, उठाते हैं रूम से निकलते ही। अभी लकड़ी लेने जा रहे हैं, कुल्हाड़ी पकड़ी है उसने अपने हाथ में और मेरे को पीछे पकड़ा है, आंटी उतरे ऊपर। चलो धूप भी आप 12 बजे आती है, इसे कहते हैं भाई सेब के बगान। आए भरो इनको, उठाओ इनको। सत्ती सोरे काम, मुंह तो धोले दो भाई को, भी नहीं धोने दे। ये इकट्ठे करके ले जाने पड़ेंगे अभी भाई। ऐसी ऐसे लोगों को ना ये टोकरी पहन के चलते मेरे बहुत देखा है। जब मैं मतलब बस में जाता था तो गांव क्रॉस होता था, कोई अपने आप पहली बार करने पड़ रहे, मतलब मेहनत है, काम बेशक है, बट सही में मजा आ रहा है इसको करने में, क्योंकि कुछ नया है जिंदगी में, कुछ भी नया करो मजा ही आता है। आ जाओ भाई बैठ जाओ टोकरी में, पर हाँ मस्त है। हमने भर लिया पानी नहाने के लिए, पहले अभी ठंडा पानी भरा है यहाँ से और अब लेके जा रहे हैं इसको हमाम में डालने के लिए। ये हमाम, इसमें यहाँ से पानी डालो ऊपर से और नीचे से निकलता है, देखो ऊपर से ठंडा डाल रहा है, नीचे से गर्म निकल रहा है। अबे ये कैन ख़त्म, ये गर्म पानी आ गया है, भाई इसको उठा के नहाने निकलते हैं। अभी हम जा रहे हैं नुहारी खाने, एक बच्चे का मुंडन हुआ है तो भाई वो प्रोग्राम भी 2-3 दिन चल रहा है। कल रात हम खाना खा के आए, आज हम जा रहे हैं नुहारी खाने, उसके बाद दोपहर के शाम को बनेगी धाम। तो भाई गांव में तो मुंडन का भी पूरा उत्सव बनता है पूरा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आगे। चल रहा है आगे अपना हीरो, दिहाड़ी लेके थैले लेके चल रहा है अपने, मतलब बड़ा चल रहा है, खाते है, भूख लग रही है अब तो, सारा सुबह से काम करवा रहा है। ये बन रहे हैं यहाँ पे पकवान, बढ़िया बढ़िया जी मस्त। जाओ भाई चाय ले आओ, ये देखो अपनी ऐसी चाय। आज तुम्हारा भाई ये बंदा है मेरी पूरी खातिरदारी कर रहे हैं गांव में। यार तू मेरे मेहमान है, चल तब कर आ ही देता हूं तेरे मेहमान को, थोड़ी देर ले 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 भाई उठा आ जा। नुहारी की शुरुआत होगी, पहली चीज आई है सादा पानी और डोडा दिख दिया, अब देखिए अगला क्या आता है। थैंक यू भाई। ये पूरी वाह भाई, ये तो कुलचे लग रहे हैं। चलो भाई खा लो। यहाँ पे देवता के वो बने हुए हैं, एक ये है, सेकंड वन इज दिस, मुझे इसका मतलब तो नहीं पता बट हाँ क्यूट लग रहे हैं। ये है पूरा ग्राउंड, इस ग्राउंड में देखो सारे बुजुर्ग पार्टी बैठी हुई है, ऊपर और लोग बैठे हुए हैं। ये जिसके शेड है अंदर, इस शेड के अंदर चला है खाना पीना सारा। पहाड़ों में सब लोग देवताओं को मानते हैं, ये यहाँ के देवता का मंदिर है, पूरा वुडन, मोस्टली हर जगह वुडन का ही वर्क होता है। ये आ गए हम छत पे, और छत पे इस टाइप पे ये देखो ये दिहाड़ी चल रही है। पानी दो बस, इसको पानी देंगे 6-7 दिन तक, 10-12 दिन तक, उसके बाद ये पक्का काम हो जाएगा। फिर इसके बाद डालेंगे इसके ऊपर वो पूरा लकड़ी और उसके ऊपर से शेड बिछा देंगे। ये देख रहे हो पीछे, इसे बोलते हैं स्वर्ग। बस बढ़िया जिंदगी जी, देखो पीछे पहाड़ पूरे और नीचे सेब के खेत, पीछे बहुत घना जंगल और नीचे अपना घर। यही चल रहा है जिंदगी में, बस जिंदगी जी रहे, कोई टेंशन नहीं हमें ब्लॉग डालने के, महीना हो गया मेरे चैनल में ब्लॉग डालने को, कोई प्रेशर नहीं हमें पूरे महीने जिंदगी जी है, बट वो कोई प्रेशर नहीं कि ब्लॉग डालने का कोई दिक्कत है, सपने जी रहे जैसा रहेगा ठीक है, जब मन करेगा ब्लॉग डालेगा वो डाल रहे हैं, बस जब भी डाल रहे हैं दिल से डाल रहे हैं, वही है
मैं बता दूं मेरे चैनल पे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, मन ही नहीं कर रहा यार डालने का। बट डालना पड़ेगा, डालेंगे अभी देखते हैं। आज तो यही आराम चल रहा है मस्त। अब हम फिर से चल रहे खाने, सुबह भी खा के आए, दोपहर को भी खाने जा रहे, रात को भी है। रात को सोचेंगे, रात को सोचेंगे। अब तो धाम है ना, अब तो धाम है 12 बजे तक। बस अब रात के 12 बजे तक धाम है। हमने कुछ नहीं देना, हमने बस खाना है। बाकी ये देखा जो भाई भाई, अब अगली शादी कब है? शादी बस इसके दो दिन बाद। बस 2 दिन बाद से शादी का खाएंगे, अभी मुंडन का खा रहे हैं। पर शादी में भी 4 दिन लगे। नहीं पर खिला कोई और रहा है, काम ये करवा रहा है। शर्म आदमी यार। बस चल रहे बड़ा बड़ा, देखते नीचे क्या चल रहा है। ये तलवार हमने निकाल लिया, बैरागी को काटने का काम करवा रहा है जब से मैं गांव से तलवार लेके लगे हैं डांस।